हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से बिग बॉस के बारे में। हाँ, फाइनली आज बिग बॉस वैसे ख़त्म हो चुका है, तो ये लास्ट वीडियो बिग बॉस के लिए। और अपने एलविश भाई भी बिग बॉस जीत गए, तो अपने सिस्टम के लिए ये लास्ट वीडियो डेडिकेट कर देता हूँ। तो प्लीज़ अपने सिस्टम की ताकत दिखा दो और इस वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ दिला दो। कर पाओगी हमरी आपकी भी? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज बिग बॉस के अंदर जब ये गेस्ट वाले आ रहे थे, तब इसके अंदर एक अजीब सा प्राणी आया था जो अजीब अजीब कपड़े पहनते रहता है, मतलब पहनती रहती है। आपने गेस्ट कर लिया होगा, हाँ वही मेंढक सी शक्ल की अजीब सी बंदरिया उर्फी जावेद। हाँ, ये वही है जो कि हर रोज अपने आप को आईने में देख के सोचती है कि अरे ये क्या है, कुछ अलग नहीं दिख रहा, चलो कुछ अलग करते हैं। तो हर रोज कुछ न कुछ कबाड़े की दुकान से ला कर पहनती रहती है। तो आज ये यहाँ बिग बॉस के अंदर सीधे के सीधे नुकीले कांटे पहन के आ गई। मतलब कि क्या बता, या तो उसको कोई गले मिल ले, उसको पसंद नहीं होगा, तो उसने सीधे के सीधे वहाँ पर अपने कांटे लगा लिए, इसलिए कोई गले ही नहीं मिल सके। जरा अब इसको देखो। ओह शिट, इट्स उल्फी। ओह ओह व्हाट्स अप? ओह माय गॉड, माय स्क्रू। नो 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 वरीज, आर यू ओके? यू आर अ लेजेंड। यू आर अमेजिंग। आई लव यू। आई लव योर ऑडेसिटी। आई लव योर ओरिजिनलिटी। आई कांट टेल यू दिस। यू नो इट्स सो वियर्ड, मैंने इस दो महीने में पता नहीं आपका थॉट। देखो, जब दो बेवकूफ़ एक दूसरे को सामने से देखते हैं ना, तो वो यही सोचते कि अरे वाह, मेरे मेले में बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो रही थी, दोनों के दोनों गधे एक साथ मिल गए। और जिस प्रकार की उनने अपनी उल्लासना दिखाई है, अरे वाह उल्लासना इतना अच्छा। हाँ, तो उनने जो अपना खुशी प्रकट की है, मतलब कि क्या ही, मतलब कि गधे को गधा ही पहचान सकता है, कहते हैं ना, बस वही हुआ यहाँ पर। कि जिस प्रकार से उसने उसकी तारीफ़ की, जितना उसके अंदर कुछ था भी नहीं, फिर भी उसने कर दी। नहीं, जो उसने तारीफ़ करी, आनंद ही आ गया हमको, नहीं उसको आया, हमको तो नहीं आएगा ना, किस बात का आनंद आएगा हमको? आनंद लायक कोई चीज़ ही नहीं थी उसमें। फिर भी चलो, आनंद लेना जिसको आता हो तो ले लेगा। हाँ, तो और देखो यहाँ, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तो बहुत ही अच्छी लगती हूँ, अभी रेडी वेडी भी आपको मिलेंगे जो जो आप। मैं, मुझे शायद बिग बॉस लास्ट सीजन इतना मुझसे इंस्पायर हो गए थे, इतना याद आ रही थी कि उन्होंने इस सीजन का थीम ही रिसाइकल रख दिया। ओह माय गॉड, नॉस्टैल्जिया। मैं तो ज्यादा टिक नहीं पाई। अपने फैशन स्टेटमेंट्स के लिए चर्चित उर्फी का बिग बॉस हार्दिक स्वागत करते हैं। आज उर्फी आप सबके साथ कुछ वक्त बिताने आई है। सही है बिग बॉस। सकती हो ना बिग बॉस जैसी, वरना ना हो। मतलब कि बंदी ने जैसे ही कहा कि डिड यू मिस मी बिग बॉस, बंदे ने बेचारे ने इग्नोर ही मार दिया और सामने से कह दिया कि बस कुछ वक्त ही बिताने आई है आपके साथ। मतलब कि इज्जत उतारना तो कोई बिग बॉस से सीखे। हाँ बिग बॉस, मैं बेबिका को बोल सकती हूँ सुई? हाँ, थोड़ा सा चुपती हूँ। चुपती है ये, पोक करती है ये, बहुत ज्यादा पोक करती है ये। तो ये मैं इनके लिए सुइयों का आउटफिट बनाती। ओके, आई थिंक मेरे लिए कुछ महंगी वो ये जो लाइट फिक्स्चर्स है, बिकॉज़ आई थिंक के कहीं ना कहीं मैंने एक चीज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आई रिफ्यूज टू गिव अप माय लाइट। दैट इज ऑल एवर लाइफ इज अबाउट। आई रिफ्यूज। पहली बार शायद से इस जानवर ने कुछ अच्छी बात करी होगी अपनी जिंदगी में, कि बेबी का जैसी प्राणी को उसने सुई दी। वाह, सुई रोनाल्डो वाली नहीं, अपने कांटे वाली या फिर सिलने वाली सुई, सुई धागा वाली सुई। हाँ, वैसे अच्छा ही दिया था, पर मिली नहीं उन लोगों को वो ड्रेस। हाँ, क्योंकि जब वो उस सुई से जब वो सिलाई कर रहे थे उस ड्रेस की, तो वो सुई उन्हीं को चुभ गई। बहुत सच्ची घटना है, सच्ची घटनाओं पर आधारित बातें हमारे चैनल पर आपको मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखिए।
क्यों रंग बदलते तूने बोला अगर उसका सिर्फ फेस देखो तो बहुत ही सिंपल है. यू थिंक यू वेरी सिंपल. हाँ आई एम वेरी सिंपल लेकिन बहुत सारे कलर्स है शायद इसीलिए बहुत सिंपल. जी आर यू नॉट सिंपल. आई वुडंट से यू आर सिंपल. सी आई हैव क्योंकि ऐसे जिसे दूसरों को ऐसे देख के बोल सकते हैं. आई वुड से बैंग. इस पूरे शो में उर्फी ने सिर्फ दो ही बातें अच्छी करी थी. पहली वाली तो मैं भूल गया और दूसरी वाली ये. हाँ मतलब कि जिस तरीके से उसने कहा ना बैंगन बैंगन मतलब क्या ही आनंद सा आया हमें सुनने में ही कि उसने जिया शंकर को बैंगन ही कह डाला. हाँ वो अलग बात है कि जिया शंकर अपने मन में बहुत सारी गालियाँ दे रही थी पर इसे बाहर नहीं बोल सकती थी तो कोई नहीं वैसे ही मतलब नहीं है. पर बड़ा आनंद आया सबको खाली उर्फी को नहीं हम सबको बड़ा आनंद आया. क्या ही उसने कहा है बैंगन वाह. तो चलो अब ये बैंगन यहाँ पर मतलब कि वीडियो यहाँ पर ही अब समाप्त हो रहा है. तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और सिस्टम की पावर दिखा दो और देख लो क्या करना है अब. तो चलो बाय बाय.